18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए के सुरेश, बी ओम बिरला, सी जगनमोहन रेड्डी, डी जेपी नड्डा। उत्तर है बी ओम बिरला। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 27, डी 29। उत्तर है डी 29। अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपका ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। उत्तर है ए 11। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी हरियाणा। उत्तर है सी गुजरात। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 21 जून, बी 23 जून, सी 22 जून, डी 24 जून। उत्तर है बी 23 जून। किस देश ने हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया? आपका ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। उत्तर है डी भारत। कौन सा देश 2024 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन है ए कतर, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी मेक्सिको। उत्तर है बी अमेरिका। हाल ही में जारी विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? आपका ऑप्शन है ए प्लास्टिक प्रदूषण, बी जैव विविधता, सी जलवायु परिवर्तन, डी नवीकरणीय ऊर्जा। उत्तर है ए प्लास्टिक प्रदूषण। कौन सा देश 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन है ए ब्राजील, बी रूस, सी भारत, डी चीन। उत्तर है सी भारत। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। उत्तर है बी चीन। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? आपका ऑप्शन है ए सानिया मिर्जा, बी रोहन बोपन्ना, सी सुमित नागल, डी प्रजनेश गुणेश्वरन। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।